विराटनगर में आगामी 8 जनवरी को भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप मुद्गल के द्वारा विशाल अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर बैराड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अन्नकूट भंडारे की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें ग्राम ककरी महादेव घाटी में अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के मार्गदर्शन में किया जा रहा है एवं भंडारे में विधानसभा क्षेत्र के 50,000 लोगों की व्यवस्था का आयोजन किया गया है। जहाँ बता दें कि क्षेत्र में सक्रिय श्रीमंत समर्थक भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिलीप मुद्गल द्वारा लगातार क्षेत्र में लोगों से रूबरू होकर जनसंपर्क किया जा रहा है, साथ ही पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। जहां पूर्व में भी जिला उपाध्यक्ष द्वारा लगातार सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता है। जहां आगामी 8 जनवरी को महादेव घाटी में विशाल भंडारे का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के हजारों लोग सम्मिलित होंगे। विराट से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पौरी विधानसभा क्षेत्र में लगातार आपके द्वारा भंडारों का आयोजन किया जा रहा है, एक बेहद ही पुण्य का काम है, साथ ही पार्टी की रीति नीति पे चल रहे हैं। अब आगामी दिनों में कहाँ क्या कुछ कार्यक्रम आपके होने वाले हैं? राजमाता विजयराजे सिंधिया जी की जन्म जयंती से 12 अक्टूबर से लगातार विशाल भंडारा और लोगों की सेवा के कार्य किए जा रहे हैं मेरे द्वारा। और हमने 2 नवम्बर को पौरी में बहुत बड़ा आयोजन किया था, उसके बाद 11 दिसंबर को चर्च में रखा गया। उसी के क्रम में अभी बैराड़ के से 7 किलोमीटर दूर महादेव घाटी पर महादेव मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन रविवार 8 जनवरी को 2023 को आयोजित किया जा रहा है और ये क्रम आगे भी चलता रहेगा राजमाता विजयराजे सिंधिया की पुण्यतिथि तक।